अस्सलाम वालेकुम। बंद कर रहा हूँ। कस्टम भी हमारा क्लियर हो गया। दो मिनट भी मैं कहूँगा मुश्किल से लगी। बहुत ही अच्छे ऑफिसर्स थे यहाँ पर भी। मतलब दुबई का जो एग्जिट का जो बॉर्डर एरिया है और जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी वो बहुत ही क्विक थी। हमें ढूंढने में थोड़ा सा वक्त लग गया। नहीं तो ऑफिसर ने तो कहा लाओ पेन, दो पेन है आपके पास, बस जेब में से स्टैम्प निकाला, बस एग्जिट। दो मिनट भी नहीं लगी, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा एग्जिट बाइक का भी हो गया, हमारा हो गया। अभी हम फिर से जा रहे हैं वापस वहीं पर पासपोर्ट कंट्रोल पर, और वहाँ से अभी हम लोग एंट्री करेंगे सऊदी अरेबिया इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र कि तूने सब खैर खैरियत से कर दिया। दुबई एग्जिट, नाउ वी आर एंटरिंग सऊदी अरेबिया। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हमदा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत आसानी से हुआ। अब्दुल भाई हाँ, जगह ढूंढने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। हाँ मैं खेमा ही समझ गया, मैं खेमे में है। सो जी, हम लोग दुबई एग्जिट हो चुके हैं, नाउ वी आर एट नो मैंस लैंड। और अभी बस बढ़ रहे हैं हम लोग सऊदी के बॉर्डर पे, और आई होप फुटेज जो है वो अच्छी आ रही होगी, बिकॉज आई एम रियली वेरी सॉरी अगर आप लोग अच्छी नहीं आ रही है। बट क्या करें, रात हो गई और निकले ही थे हम लोग थोड़ा सा लेट, बट बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट बॉर्डर क्रॉसिंग एक्सपीरियंस हमारा बहुत ही अमेजिंग रहा। बस सिर्फ कस्टम की जो बिल्डिंग थी वो हमें पता नहीं चली थी, इसके लिए वक्त लगा, वरना तो कोई वक्त नहीं लगता आपको दुबई एग्जिट करने के लिए। मैं कहूँगा कि हार्डली, अगर पूरे प्रोसेस को अगर हम लोग जानते हैं कि बिल्डिंग मुंबई के टोल जितना टाइम लगता है, मतलब 10 से 15 मिनट में आपको फारिग कर देंगे वो। जाओ भाई, कोई बात नहीं। अब देखते हैं कि सऊदी अरेबिया हमें किस तरीके से हमारा वहाँ पे प्रोसेस होता है और कितना वक्त लगता है, इंशाल्लाह वो भी आप लोग के साथ में एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। अब ये क्या है, पुलिस चेक। गुड बाय पुलिस चेक पॉइंट। आगे लीड कर रहा हूँ, अब्दुल भाई मेरे पीछे है। मेरा उनका पासपोर्ट मेरे टॉप बॉक्स के अंदर है, मैं सिर्फ अपना पासपोर्ट दिखा रहा हूँ उनको, बोल रहा हूँ कि ये भी मेरे साथ में है। सो दे आर नॉट चेकिंग इट, मतलब उनकी हमारी ज़बान पे उनको इतना भरोसा, दे आर अलाउिंग अस। तो दो चेक पॉइंट अभी हम लोग ने ऐसे ही क्रॉस किया और कोई इशू नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हमारा एग्जिट किया है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। यूजुअली तो मैंने ऐसा देखा है कि एटलीस्ट 2-3 किलोमीटर्स की राइड रहती है विद इन द बॉर्डर्स, विद इन द टू कंट्री बॉर्डर्स। अब देखते हैं यहाँ पे कितना देर के बाद आता है सऊदी बॉर्डर। सीधा सीधा ही जाना है ना, मैं एक मिनट मैप चालू कर देता हूँ। हाँ वो तो काफ़ी शॉर्ट है गाड़ी में ना। हाँ बराबर है, एक मिनट आप दूसरा, मैं मैप लगा रहा हूँ। अब गाड़ियाँ तो खड़ी है। वेलकम टू अल बथा पोर्ट। सो जी, सऊदी का भी बॉर्डर आ चुका है, ज़कात कस्टम एंड टैक्स। सो अभी हम लोग एंटर करने वाले हैं सऊदी बॉर्डर, और बॉर्डर काफ़ी बड़ा दिख रहा है। इनका जो अरेंजमेंट है वो भी मुझे काफ़ी बड़ा दिख रहा है, पार्किंग वगैरह काफ़ी बड़ी है। तो लेट्स सी क्या होता है। माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या वेलकम करते हैं यार। अरे एक अलग ही अंदाज है इनका यार, क्या वेलकम किया उसने यार। माशाल्लाह यार, मैं तो बोला अभी मेरे को पूछेगा कहाँ से क्या। नो दे आर वेरी यूज्ड टू इट आई थिंक सो। अब्दुल भाई हाँ, हो सकता है फॉरेनर्स को वेलकम करते। बहुत अच्छा लगा यार, मेरा दिल खुश हो गया जो हिसाब से उन्होंने वेलकम किया।
यार कौन करता है यार आज की तारीख में, और ये देखो ये सऊदी में और दुबई में हो रहा है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हो ना आप, अलबत्ता बॉर्डर अभी हम लोग पहुंच चुके और आई थिंक सो वो चेक पॉइंट था बस, और हम लोग शायद सऊदी एरिया में आ चुके हैं। अब्दुल भाई एंटर हो चुके हैं सऊदी के हद में। यस ये देखो सऊदी का फ्लैग भी आ गया, ट्रक्स अरे सिंबल है ना। अरबी आती है अब्दुल भाई आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बराबर है माशाल्लाह। अरे ये बरकत है भाई अरबिक लैंग्वेज की। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और जी हम पहुँच चुके हैं अभी सऊदी इमिग्रेशन सेंटर में, आप देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे भी काफ़ी लोग हैं अब्दुल भाई। अरे ऑफ रोड आप यहाँ पे खड़े भी नहीं हो सकते, सैडलिंग भी नहीं कर सकते आप। कुछ बन रहा है यहाँ पे सब, इनका पूरा सब नया नया, देखो ना राइट पे भी तो काफी ट्रैफिक है यहाँ पे तो। अल्हम्दुलिल्लाह किधर, सो यहाँ पे तो काफ़ी रिनोवेशन चल रहा है, और सीधा आगे हमारे है वो पासपोर्ट कंट्रोल है, फिर उसके बाद आई थिंक सो कस्टम होगा, एंड देन वहीं पे हमारा कार्नेट पे स्टैंप लगेगा, और फिर इंशाल्लाह हम लोग सऊदी में भी एंटर हो जाएंगे इंशाल्लाह। और एंटर होने के बाद हम लोग सबसे पहले हमारे घर वालों को फ़ोन करेंगे, उनको खुशखबरी देंगे कि हम लोग ने फर्स्ट बॉर्डर क्रॉसिंग कर ली अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआ से इंशाल्लाह। उसके बाद फिर कुछ खाएंगे, थोड़ा फ्रेश होएंगे, और फिर बाकी देखते हैं आगे का प्लान क्या है। जी भाई काम करते बाहर हो जाएगा ना इंशाल्लाह। अच्छी रेस्टोरेंट ही देखते हैं यहाँ पे होएगा। हाँ होएगा होएगा डेफिनेटली। हाँ हाँ इंशाल्लाह वही वही वही। तो काफ़ी लोकल जीसीसी के बहुत आना जाना करते हैं भाई रोड अब्दुल भाई दुबई। ये देखो ना भाई गाड़ी के पीछे भी कैरियर लगा हुआ है। हाँ किसका ये ब्रैकेट में? ब्रैकेट में नहीं, सब सामान मिला है। कम से कम 200 किलो होगा सामान मिला के, 200-250 किलो कम से कम होगा, 200-250 केजीज आराम से होगा। अरे आराम से बैगेजेस है अब्दुल भाई, एक बैग 30 किलो की पकड़ लो आप, चार तो बैग दिख रही है मेरे को, वो 312 120 केजी उसका होएगा 50 केजी, अप्रोक्सीमेटली 200 केजीज बता रहा हूँ मैं आपको होगा, लेक्सस के पीछे जो लगा हुआ है कैरियर इसको। क्या स्मार्ट लग रहा है ना अब्दुल भाई, काश ये सब इंडिया में भी अलाउड होता। एक रिक्वेस्ट है, सऊदी बॉर्डर क्रॉस करने के बाद ऐसी लंबी वाली सीख कबाब चाहिए, और साथ में खबूस और फ्रेंच फ्राइज और लब्बन, ये बैठ के एंजॉय करेंगे खाएंगे थोड़ा। अरे ऊँट की सीख नहीं चाहिए, लैम सीख। हाँ ऊँट की मिलेगी तो वो भी खा लेंगे यार, क्या है इसमें, बहुत नसीबदार है माशाल्लाह। अरे भाई एक्सपीरियंस है अब्दुल भाई। अस्सलाम वालेकुम, बंद कर रहा हूँ सॉरी। रियाद
मक्का एंड मदीना इंश्योरेंस दुबई की छुट्टी ले लिया इसने यस सॉरी वीजा ओके ओके थैंक यू सो मच ओके या सेम सेम इंडिया बोल रहे केरला से शुक्रान ओके ओके थैंक यू सो मच नो स्टैम्प ऑन द पासपोर्ट ओके इंशाल्लाह ओके सो यहाँ पे लाइन है यहाँ पे फिंगरप्रिंट और फोटो होगी उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग को वहाँ पे पासपोर्ट पे स्टैंप और वीज़ा मिलेगा सो ये है कैबिन इनका फिंगरप्रिंट का अल्हम्दुलिल्लाह सो देखो ये स्लिप मिलेगी आपको दुबई एग्जिट पे ये मेरी स्लिप है और ये स्लिप की मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप फोटोज़ निकाल लो बिकॉज जैसे ही आप सऊदी बॉर्डर में पासपोर्ट कंट्रोल में एंटर होते हो वो स्लिप ले लेते हैं फिर उसके बाद हमको अंदर ऑफिस में जाना है जिसे मैंने आपको पहले दिखाया और वहाँ पे हमें बहुत जल्द फारिग कर दिया हमने कहा कि हम लोग बाइक पे आए हैं तो बहुत जल्द उन्होंने हमको फारिग कर दिया और अभी हम लोग बस स्लिप ले लिए उनसे वापस जाके सब चीज़ सही होगी अभी हम लोग इंशाल्लाह निकल रहे कस्टम की तरफ तो इंशाल्लाह अभी देखते हैं आगे का सफ़र कैसा है क्या है आई विल कीप यू अपडेटेड सो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में और होप यू ऑल आर एंजॉयिंग द वीडियो रियाद मक्का मदीना उमरा only stamp only stamp no problem sir ما بعرف بس ختم I have GS also oh mashallah nice bike already send it to Frankfurt oh I'll be going there next month hopefully inshallah good luck have a safe ride number WB 98 ओके कैन आई टेक थाने फी नफर बात हां वन शेयर ओवर बात टू बाइक ओ थैंक यू لا لا شيل شيل هذا بيبر هذا بس ودي بواب خلاص باقي كله ركبه يلا شغل 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 زياده If I want to extend which website online which one other paper okay shukran samajh gaya na abdul bhai bhadak raha nahi hai bolta hai bechara aage le lena please ek minute
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो भाई, हमारा सऊदी का जो ये इंश्योरेंस था वो भी हो गया माशाल्लाह। तो सऊदी का इंश्योरेंस है वो भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। यू कैन बाय इट फॉर 1 वीक, यू कैन बाय इट फॉर 2 वीक्स, और यू कैन बाय इट फॉर 1 मंथ। सो पूरे 1 महीने के हमने वीज़ा ले ली है, सॉरी इंश्योरेंस ले लिया है बाइक का। और ये पेपर उन्होंने हमको दिया है, अभी ये हमको एग्ज़िट पे देना है उनको आगे। और इसका फ़ोटो मैं निकाल देता हूँ, इट्स बेटर। और उसके बाद ये देखो 149.50 रियाल। सो ये था टोटल हमारा 1 मंथ का इंश्योरेंस। सो कोई इशू नहीं है, और 1 महीने का इंश्योरेंस दिया। अगर हमको एक्सटेंड करना है तो ऑनलाइन भी हम लोग एक्सटेंड कर लेते हैं। उन्होंने पेपर दिया है और वो पेपर से ही हम लोग उसको कर लेंगे एक्सटेंड। ठीक है जी, फ़ोटो भी हो गई, पासपोर्ट तो मेरे जेब में ही है भाई। पासपोर्ट नहीं घूमना चाहिए खुद घूम जाओ, पासपोर्ट मत घुमाओ नहीं तो इंडिया नहीं जा पाओगे। जा पाओगे, यू कैन गो टू इंडियन एम्बेसी एंड यू कैन जस्ट टेल देम, वो सब हो जाता है। बट खैर वो अलग टॉपिक है। अब मैं आपको एकदम शॉर्ट में बताता हूँ, दुबई एंटर किए हमने, सबसे पहले हमको लगा पासपोर्ट कंट्रोल, फिर उसके बाद पीछे हम लोग गए, उसके बाद गए कस्टम्स, 2 मिनट के अंदर वहाँ से फारिग, फिर उसके बाद हम लोग आए सऊदी, सऊदी में पासपोर्ट कंट्रोल, वहाँ पर थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लगा, फिर उसके बाद हम लोग आए वापस कस्टम में, वहाँ पर भी थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लगा। बट इन ऑल अगर आप टोटल गिनोगे दुबई एंट्री एंड सऊदी एग्जिट, आप लोग 3 घंटा पकड़ के चलो, दोनों कंट्रीज के बॉर्डर्स कस्टम एंड इमिग्रेशन एवरीथिंग सब पकड़ के 3 घंटा पकड़ के चलो। हो सकता है कम भी हो जाए, हो सकता है ज़्यादा भी हो जाए। मुझे लगा लगभग 1.5 घंटा यहाँ पे। और एक्चुअली वो एड्रेस हमको कस्टम का नहीं मिल रहा था, इसलिए थोड़ा सा वक्त लग गया, वरना 1/2 घंटा दुबई में लगेगा, 1.5 घंटा यहाँ, 2 से 3 घंटे के बीच में मेरे हिसाब से आप दोनों कंट्री के उसमें फारिग हो जाओगे। तो बहुत ही क्विक है, बहुत ही फास्ट है अकॉर्डिंग टू मी। और बहुत अच्छे से उन्होंने हमें सर्व किया और बहुत अच्छे से वेलकम भी किया और अलविदा भी किया। सो अभी चलते हैं, वेलकम टू सऊदी अरेबिया कहते कहते और लबैक पढ़ते पढ़ते इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं। इधर से भी आ जाओ। सो ये पहला फ्यूल स्टेशन हमें दिखा है पेट्रोल ही, अभी यहाँ पे हम लोग फ्यूल अप भी करा लेंगे इंशाल्लाह और इसके बाद आगे निकलेंगे। सबसे पहला फ्यूल भराते हैं। अब्दुल भाई क्या बोलते हो, चला आ जाओ, पहला खा लेते हैं। अब्दुल भाई को भी भूख लगी है और मुझे भी काफ़ी भूख लगी है। सो पहले अच्छे से खा लेते हैं, फैमिली को भी एक बता देते कि हम लोग सऊदी एंटर हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। टाट है, और इसके बाद फ्यूल भराते हैं और फिर निकलते हैं। मैं अभी बताता हूँ आपको कि अभी हमारा क्या प्लान है क्या नहीं है। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोमार्ट थोड़ा घूम लेते हैं, पहला देख लेते क्या क्या है अवेलेबल। ये चाय है, कावा एंड एवरीथिंग। ये प्रोमाडर है, मेरा स्लाइस केक, कितना मिस किया हूँ मैंने तेको, मेरा स्लाइस केक। हल बैक हो गए तो अब्दुस भाई यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी रेस्टोरेंट, यहाँ खाना मिल जाएगा। अब्दुस भाई कहाँ हो तुम? हेलो, हाँ ये रेस्टोरेंट है, अच्छा खाना मिलेगा, मस्त एकदम बैठा हो, चिकन ने राइस ने चावल। तो इंशाल्लाह एक काम करते यहीं पे बस बाइक पार्क करते, अच्छे से पूरा डिनर करते और उसके बाद आगे का सफ़र जो है वो कंटिन्यू करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। सो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सेफली सऊदी बॉर्डर क्रॉस कर लिए जैसे कि आप लोगों ने देखा। और अभी हम हैं यहाँ पे एक हॉस्पिटैलिटी रेस्टोरेंट में और यहाँ पे हमने प्लान किया है ऑफ कोर्स डिनर करने का। सुबह से सिर्फ एक बर्गर खाए हुए, आप लोगों को दिख रहा होगा हालत, बट आई एम रियली रियली वेरी हैप्पी कि हम लोग ने टाइगर पे किया और बहुत ही नसीब वाले समझते हम लोग कि हम लोग ने ये किया। ऑफ कोर्स सबसे पहले हमारे फैमिलीज की दुआएं और आप लोग की भी दुआएं। सो यस रियली फीलिंग वेरी एक्साइटेड, बट एनर्जी लेवल आप लोगों को थोड़ी सी लो दिख रही होगी। दोनों बॉर्डर से हम लोग क्रॉस करके यहाँ पे आए और अभी खाना खाएंगे, थोड़ी सी एनर्जी बन जाएंगी, उसके बाद आप लोग से बात करते हैं। सो हम लोग आए हुए ये रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, बाइक्स वहाँ पे पार्क थे, मेनू डिसाइड कर रहे थे तो मैं वॉश मशीन में जाते थे, देखा कि वो लोग कुछ खा रहे थे तो अब्दुल भाई उनके टेबल पर जाके बैठ गए और उनसे पूछने लगे कि क्या खा रहे फेंटा, मच नीडेड फेंटा। सो हमने ऑर्डर करी है जी चिकन मंदी और अब्दुस भाई ने ऑर्डर किया है आज
स्पेशली वेज करी शायद से, ये रोटी है, अच्छा सॉरी मिक्स वेजिटेबल, ये रोटी और ये मटन सूप। अब्दुल भाई आज आप मटन नहीं खा रहे हो? दे रहा ही नहीं है वो। अच्छा आपको लगता है ये आदमी सब्जी रोटी खा सकता है? कभी भी नहीं। तो ये खाना वगैरह हमारा हो गया, बहुत ही अच्छा मंडी राइस मैंने खाया। अब जो अब्दुल भाई ने मटन मंडी कैंसिल कर दी थी, सिर्फ वेज करी और रोटी खाई। और अभी हम बस चाय पियेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि यहीं आसपास कहीं होटल लेना है कि रियाद जाना है। अब्दुल भाई का कहना था ऐसा कि यहीं होटल ले लें, बट मैंने बोला कि अब्दुल भाई चलो एक काम करते, पुश कर लेते, पुश नहीं मतलब अभी तो लगभग सिर्फ 10 ही बजे, ऑलमोस्ट रोज सोते 2 बजे 3 बजे, और यहाँ से सिर्फ लगभग 500 किलोमीटर है, तो वो 6 घंटे में हो जाएगा। यहाँ के रोड्स काफ़ी अच्छे हैं और स्पीड लिमिट भी काफ़ी अच्छी है, सो देखते हैं क्या होता है। सो जस्ट अ चेंज इन प्लान, पहले हमारा प्लान था कि हम लोग यहाँ पे होटल ले लेंगे, बट फिर हमने डिसाइड किया कि नहीं होटल नहीं रहते, रियाद चले जाते, एंड देन वी वेंट इन फॉर डिनर, जैसा कि आप लोगों को पता है। फिर उसके बाद जैसे ही हम डिनर के बाहर आए तो एक अंकल मिले, उन्होंने कहा कि आप लोग कहाँ जा रहे, तो हमने कहा कि हम लोग अभी रियाद जा रहे हैं, रियाद से फिर इराक जाएंगे। तो हमें तो पता चल गया था कि आरआर बॉर्डर ओपन हो चुका है, जो सऊदी का और इराक का बॉर्डर है, और उन्होंने कहा कि आप लोग क्यों इतना 300 किलोमीटर या 400 किलोमीटर एक्स्ट्रा जा रहे हो, बेटर यू शुड गो टू दमाम एंड देन फ्रॉम दमाम गो डायरेक्टली टू आरआर बॉर्डर एंड एंटर इराक। सो प्लान ये था कि रियाद हम लोग रुकेंगे, रियाद से आरआर बॉर्डर एंटर करेंगे इराक के लिए, बट ये और भी क्लोज रूट है टू एंटर इराक, सो हम लोग जा रहे हैं दमाम और दमाम से फिर एंटर करेंगे इंशाल्लाह इराक। तो यार दैट्स द प्लान। सो अभी एक काम करते हैं, फ्यूल अप करते हैं और उसके बाद सीधे निकलते हैं दमाम के लिए। टोटल राइड यहाँ से अराउंड 339 किलोमीटर्स, और जिसके लिए हमको लगने वाले हैं जैसा गूगल मैप बता रहा है 3.5 आवर्स, बट मे बी विल टेक अ स्टॉप ओवर और उसके बाद देखते हैं क्या है क्या नहीं। एक 200 किलोमीटर्स के बाद एक वापस चाय ब्रेक होगी या पता नहीं कुछ भी ऐसा फ्यूल स्टेशन आया तो हम रुक जाएंगे, बाकी दैट्स द प्लान। और देखते हैं अभी निकलते सीधे बाइक पर फ्यूल अप करा के।